हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेगुलर आप पढ़ते हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है। कम से कम 100 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत है। ठीक है दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों, क्रिस्टलों में क्या होता है दोष। क्रिस्टलों में दोष होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है और बिंदु दोष होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः तो दोष समझिए दोस्तों, दोष क्या है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अन्यत्र चीजों के बारे में सोचने लगे तो आपका वो स्टडी दोष है। कहने का मतलब आप बुक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अन्यत्र चीजें आपके मन में क्या आ गई, सोच आ गई। आपने रास्ते पे क्या देखा था वो सोच आ गई, वो दोस्तों दोष है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट को पढ़ाई करते समय अपने लाइफ की अन्य चीजों को उसके बीच में नहीं लानी चाहिए। हमेशा माइंड को हमेशा फोकस करनी चाहिए अपने स्टडी पर, अपने बुक्स पर, जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उस टॉपिक पर अपना फोकस करना चाहिए। हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ते समय अन्यत्र सारी चीजें, यहाँ तक कि मोबाइल भी दोस्तों क्या होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। मोबाइल को साइड में, जब भी आप बुक से अध्ययन कर रहे हैं, अपनी नोटबुक से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल हमेशा क्या होना चाहिए, साइड में होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल भी क्या होता है दोस्तों, एक तरह से हमारी विघ्न बाधाएं, हमारी परिस्थिति के अनुसार ये क्या होता है, विघ्न बाधाएं उत्पन्न करता है, समय का लॉस करता है। चलाइए, सब कुछ चलाइए, आज दैनिक जीवन में हर चीज उपयोगी है। मोबाइल से ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी अपना नोटबुक या बुक के माध्यम से पढ़ते हैं तो कृपया साइलेंट करके बाजू में रखें। इसी तरह दोस्तों क्या होता है कि ठोसों में कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, दोष आ जाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मजा आने वाला है दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इतना हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं क्या दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज दोष। दोष क्या दोस्तों, ठोस किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहले तो आपको यही कांसेप्ट क्लियर करना है। ठोस किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। ठोस किससे मिलकर बना होता है, क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, धात्विक परमाणु से मिलकर बना होता है। ये आप लोगों ने देखा, यदि नहीं देखा तो क्रम से जाकर प्लेलिस्ट से चैप्टर 1 का पार्ट 1 से वीडियो देखें, जिससे आपको विधिवत समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया है कि ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है, सहसंयोजी ठोस, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने बताया है कि आयनों से मिलकर भी ठोस बने होते हैं, क्रिस्टल से मिलकर, मतलब क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं दोस्तों, इकाई रचक अवयव, जैसे आयन हो गए, अणु हो गए, परमाणु हो गया, धात्विक हो गए, धात्विक परमाणु हो गए, तो इनसे मिलकर क्या बना होता है, ठोस बना होता है। कहने का मतलब जो ठोस होता है तो क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणु आयन से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक दिन निश्चित क्रम से व्यवस्थित है, ये निश्चित क्रम से व्यवस्थित है, व्यवस्थित है ना, ये निश्चित क्रम से, इसमें बिल्कुल क्या है, परम शून्य ताप पर निश्चित क्रम से व्यवस्थित है। जैसे दोस्तों चार आदमी क्या है, आराम से बैठे हैं, बिल्कुल विधिवत बैठे हैं, पंक्त से बैठे हैं, एक व्यक्ति आया और एक के गाल पे क्या हुआ, चाटा मार दिया, ठीक है, एक क्लप्पड़ मार दिया दोस्तों, कुछ भी नहीं, वो रोने लगा। वहां पे अव्यवस्थाएं फैल गई, वहां पर शांति थी, अव्यवस्था हो गई, अव्यवस्था हो गई, क्यों, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ क्या हो गया, धक्का लग गया। इसी तरह दोस्तों ये क्रिस्टल है, आपस में भी धक्का मुक्की करेंगे, लेकिन कब धक्का मुक्की करेंगे, जब बाहर से कोई ना कोई चीजें उस पर क्या किया जाएगा, आरोपित किया जाएगा, बल लगाया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा। तो समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही सिंपल है परिभाषा, एक मिनट में याद हो जाएगा, बस आपको समझना क्या है दोस्तों। ये ठोस है, ठोस में क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अनियमित जब व्यवस्था हो जाती है तो जो उत्पन्न होता है दोस्तों, तो क्रिस्टलों का दोष कहलाता है, ठोसों का दोष कहलाता है। तो चर्चा भी करेंगे बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनिक दोष, लेकिन अभी दोष क्या है यही तो समझिए दोस्तों। कोई भी ठोस होता है, उसकी रचक अवयव एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन जब उनके क्रम में क्या हो जाता है, अनिश्चितता आ जाता है, अनियमितता आ जाता है दोस्तों, तो उसमें एक प्रकार की दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे ठोसों का दोष कहते हैं, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं, क्रिस्टलों का दोष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ठोस है, उनके रचक अवयव, घटक, इकाई, सरल, अणु, परमाणु, आयन, जिससे भी मिलकर बने हो, हमें लेन देन नहीं है। कोई भी ठोस है, उनके क्रिस्टल एक नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, और जब उनके नियमित क्रम में अव्यवस्था हो जाती है, अनियमितता आ जाती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वो क्रिस्टल का क्या कहलाएगी, दोष कहलाएगी। अब समझ में आया, जैसे मैंने क्या बताया, ये बिंदु है दोस्तों, आपस में क्या है, व्यवस्थित है, बिंदु है, क्रिस्टल है, अणु है, आयन है, परमाणु है, कुछ भी है, कोई लेन देन नहीं, इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, कोई लेन देन नहीं। आपको समझना है दोष क्या है, आज एक ही टॉपिक है, दोष। दोष क्या है, मैंने बताया आपको कि आपके माइंड में यदि दूसरा इफेक्ट आ जाए, आप पढ़ाई कर रहे हैं बिंदु दोष, लेकिन आ गया भैया रास्ते में दोस्त ने मुझे मोबाइल में फोन करने के लिए बात कर रहा था, मैंने बात नहीं किया, ये हो गया दोष।
दोस्त दोस्तों पढ़ाई पढ़ाई करते समय केवल स्टडी मटेरियल पर ही ध्यान रहे, ना दोस्त ना फैंस ना कोई भी, ठीक है ना। आजकल की तो गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है ना, लेकिन हम दोस्तों बिना फैन के ही चल रहे हैं। गाँव में है, हमने आपको बताया था यहाँ पे फैन लगा देंगे ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वीडियो भी नहीं बन पाएगी। आपको किसी दिन मैं अपना सेटिंग दिखाऊंगा कि मैं किस परिस्थिति में वीडियो बनाता हूँ। बस दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, बिंदु दोस्त पढ़ना है हमको, बिंदु दोस्त इलेक्ट्रॉनिक दोस्त। तो दोस्त हमने क्या बताया, अब तो समझ में आ गया होगा। खूब सारा उदाहरण हमने बताया कि दोस्त दोस्तों चार गेहूं ले लिया, एक चावल डाल दिया तो दोस्त कहलाया, अन्यत्र चीजें यदि आ जाए ना उसमें तो दोस्त कहलाती है, ठीक है। इसी तरह एक निश्चित क्रम से दोस्तों क्या होते हैं, ठोस के अणु परमाणु आयन व्यवस्थित रहते हैं, और जब इन आयन परमाणु अणुओं में क्या होता है, अनियमितता आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं ठोसों का दोष। अब दोस्त समझ में आ गया होगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा एक निश्चित क्रम से, ये बिंदु निश्चित क्रम से है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इन बिंदुओं में क्या हो गई, अनियमितता आ गई। अब ये बिंदु निकल कर भैया यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, बोलता भैया मेरे को वहां नहीं जम रहा है, यहाँ बैठना मेरे को। अब देखो दिक्कत हो गई ना यार, उसका स्थान यहाँ यहाँ आ जाना, तो ये दोष पाया गया। क्या पाया गया, दोष पाया गया। तो दोस्तों जो दोष होता है, क्रिस्टलों में जो दोष होती है, ठोसों में जो दोष होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों बिंदु दोष। दूसरा क्या दोस्तों, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और दूसरा क्या है, बिंदु दोष। आपको समझना है ठोसों में दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक तो बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों, अब समझिएगा समझिएगा थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा आपको बताना भूल गया कि दोस्तों एक परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर अणु परमाणु या क्रिस्टल एक नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं दोस्तों, एक नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे यदि उनको हम ताप दे दें दोस्तों, ताप दे दें तो उनके अणु में अनियमितता आ जाती है, उनके अणु में क्या हो जाती है, अनियमितता आ जाती है। कहने का मतलब उसके अणु जो है, परमाणु जो है, अलग अलग जगह पर क्या हो जाते, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल का दोष या ठोसों का दोष बोलते हैं। वही चीज है, मैंने जो बताया परिभाषा वही चीज है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि परम शून्य ताप पर ठोसों के आयन या क्रिस्टल रचक अवयव एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस ठोस को क्या करते हैं दोस्तों, ताप देते हैं या गर्म करते हैं या अन्यत्र माध्यम से कोई ऊष्मा देते हैं, तो उनके आयन अणु परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, अनियमित, थोड़ी सॉरी दोस्तों, अनियमित, अलग अलग ढंग से क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यह क्रम क्या कहलाता है दोस्तों, यह क्रम क्या कहलाता है। कहने का मतलब अनियमितता आ गई, मतलब इसमें क्या आ गया, दोष आ गया। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, मैंने बताया ना, गाल में चाटा मार दिया, उष्मा दे दिया, ऊर्जा दे दिया, उसमें अनियमितता आ जाती है दोस्तों। उसी तरह से मैंने क्या बोला कि यदि ठोस है उनके अणु एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित है, लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, उष्मा दे दिया, हमने कछु नहीं दिया, का दिया, उष्मा दे दिया दोस्तों। उष्मा देने से क्या हुआ, उष्मा देने से उनके अणु आपस में क्या हो, एक दूसरे से धक्का मुक्के करने लगे, हलचल होने लगा, और उसमें जो दोष उत्पन्न हो गया दोस्तों, वही कहलाता है ठोस का दोष, ठोस का दोष। तो दोस्तों ठोस का दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक बिंदु दोष। दोस्तों समझिए, जब हम किसी भी ठोस जो कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जब हम किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के अन्यत्र स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार की जो दोष उत्पन्न होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। समझिएगा मेरा समझाना काम है, बाकी आप अपने बुक्स से देखें दोस्तों। किसी ने बोला था, ठीक, खुशवंत सिंह ने बोला था लगता है कि कोई, मेरे पास सर बहुत अभी टॉपिक्स है, कोई बात नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद यदि आपको परेशानी हो रही है कि मेरे चैप्टर में सर अभी ये चीजें हैं, तो कृपया आप फोटो खींचकर 9685299149 व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आप भेज दीजिएगा, जिससे मैं देख लूंगा कि आपके सिलेबस में और कौन सी चीजें हैं जो अभी कवर नहीं कराई गई, ठीक है, तो जिससे मैं उसको भी कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि ये अभी मेरे टॉपिक में है, अच्छा होगा, फोटो खींच के भेज देंगे, जिससे मैं देख भी लूंगा और उसमें है क्या चीजें, उसको भी मैं कवर करा दूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष की चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया, बकवास ज्यादा हो जाता है, सॉरी यार दोस्तों, थोड़ा सा समझना है, अपने कोई भी स्टडी होता है ना उसको अपने दैनिक जीवन में, परिवेश में ढाल कर पढ़ाई करना चाहिए, जिससे वो याद हो जाए, माइंड में फीड हो जाता है। नहीं दोस्तों यदि देखते हैं अपन टीवी मूवी देखते हैं, क्या होता है उसको तुरंत
क्या करते हैं अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दैनिक जीवन में क्रिकेट देख रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में इधर से क्लासिकल शॉट मारा, रिवर्स शॉट मार दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में मार दिया, हमने भी सोचा हम भी मारेंगे वैसे ही। इस कारण से दोस्तों वो हमेशा माइंड में फीड हो जाता है। यदि इसी प्रकार से ठोसों के बारे में भी हम चर्चा करें कि पांच दोस्त हैं, पांच दोस्त को एक दोस्त ने धक्का मारा, अनियमितता आ गई, हलचल मच गया, दोस्त उत्पन्न हो गया दोस्तों, इसी प्रकार तो इसी में बता रहा हूं कि ताप देने पर, ठोस में ताप देने पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, व्यवस्था क्रम बिगड़ जाए, इलेक्ट्रॉन अनित स्थान पर व्यवस्थित हो जाए तो कहलाता है क्या दोस्तों? कहलाता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब जब ठोसों में हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं या किसी ठोस को ताप देते हैं तो ताप देने से उनके इलेक्ट्रॉन की अनियमितता क्रम हो जाती है तो इस प्रकार का उत्पन्न दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। लेकिन बिंदु दोष क्या है दोस्तों? बिंदु दोष क्या है समझिएगा, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है दोस्तों, और इनमें अणु परमाणु आयन है। ठीक है, अणु परमाणु आयन है। ठीक है ना? ये जो इलेक्ट्रॉन था ऊर्जा स्तर के आधार पर था, इलेक्ट्रॉन क्या था? ऊर्जा स्तर के आधार पर था, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 11th में कि जैसे उच्च ऊर्जा, ये आपके पास पांच खंड है डी ब्लॉक के, ठीक है, इनके दो ऊर्जा स्तर होते हैं, एक उच्च ऊर्जा स्तर और एक दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निम्न से क्या हो जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। निम्न से कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पर। जब हम ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ये भी एक प्रकार की अनियमितता है कि अपना स्थान ग्रहण न करके दूसरे स्थान को ग्रहण करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की अशुद्धियां है, अशुद्धियां इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन की अशुद्धियां कहलाती है। समझ में आई दोस्तों मैंने कहना क्या चाहा? अब दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है मतलब समझिएगा दोस्तों, ये आपके पास क्या है, एक क्रिस्टल है दोस्तों, ये कई आयन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब समझिएगा दोस्तों, अब समझिएगा, यदि दोस्तों इनके नियमित, यदि मान लेते हैं इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, यदि यहाँ से एक एक आयन ही निकलकर कहाँ चला गया दोस्तों? बाहर चला गया। एक आयन ही निकलकर बाहर चला गया तब दोस्तों इसमें जो दोष होगी क्या होगी? बिंदु दोष। बिंदु, बिंदु है ही नहीं है, या दोस्तों कोई बात नहीं है, आयन नहीं निकला लेकिन एक जगह कर उठ करके अलग जगह क्या हो गया? व्यवस्थित हो गया, तो इसमें भी क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। बिंदु दोष के बहुत सारे प्रकार हैं, सारा चीज समझाऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, तो बिंदु दोष भी समझ में आया कि यदि ठोस को हम क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि या तो आयन या अणु परमाणु अपने स्थान से दूसरे जगह व्यवस्थित हो जाते हैं या तो निकलकर क्रिस्टल से ही बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष जो होता है दोस्तों बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है, थोड़ा लंबा सेशन हो जाता है, इसके लिए आप समझ सकते हैं, थोड़ा समझाना, मैं सोचता हूँ कि अपने दैनिक जीवन से जोड़कर ही समझाना चाहिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।